Assalamu alaikum everyone, this is Gulezara here with a fresh newspaper breakdown session courtesy of the KIPP CSS Network. Now the pandemic is a byword for today and I'm pretty sure that it is becoming exhausting right now but it is what it is. The effects of the pandemic can be seen all across the globe in all spheres of life and the effects are such that they are of extreme importance number one and number two the way they have affected the people and the systems the global system is, is also extremely interesting as well now let us take into consideration how it has affected political stability inside countries Pakistan countries scan the political instability coffee it has been since the beginning, and it is one of the most endemic problems inside Pakistan and other third world and developing countries. Lekin, this pandemic has also forced fault lines into the forefront, which they were kind of under control Take care. we'll start with uh, pakistan and then we're going to move forward uh, by dissecting the political instability that we are seeing in developed countries as well and also the role of media the um, the role that media is playing in trying to mitigate or trying to control the crisis is it being responsible or not in context of pakistan and the rest of the world now इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि शुरू से जो है वो शख्सियत पसंदी ठीक है डिफरेंट अलाइंस डिफरेंट वोट्स ठीक डिफरेंट वोट बैंक इलेक्टेबल्स इनका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी अर्सर से होता आ रहा है ठीक है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक प्रॉबेबल पॉलिटिकल सिस्टम जो है जिसके अंदर आपके पास फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ठीक है और जहाँ जो है वो पॉलिटिशियन का मैंडेट जो है वो क्या हो कि वो पॉलिटिक्स कम खेले और पब्लिक वेलफेयर की तरफ ज़्यादा जाए वो हमेशा शुरू से आपके पास जो है वो लैकिंग ही रहा है बट इन दिस पेंडेमिक इन टाइम्स वेयर वी नीड नेशनल यूनिटी वट वी सी इन साइड पाकिस्तान इज अ डीपर फ्रैक्चरिंग ऑफ पोलिटिकल फॉल्ट लाइन्स यहाँ आपके पास जो ब्लेम गेम ऑफ पॉलिटिक्स है ठीक है वो स्टार्ट है राइट सुबह एक दूसरे पे फोकियत इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं एंड देंट्रल इज ऑलमोस्ट यू कैन से बैफल्ड आर द रिस्पांस दट दे आर गेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज ठीक है एंड इट इज देंट्रल्स यू कैन से इन एबिलिटी टू शट डाउन इट्स ने सेर्स प्रॉपरली ठीक है वाया इट्स थ्रू मलिशियसनेस ठीक है या अगर जो है वो वैलिड है तो ये सेंट्रल नहीं कर पा रही एज ऑफ राइट नाउ फ्राइटना द सेंट्रल इज नॉट शोइंग इज एन अडिक्यूएट सेंस ऑफ लीडरशिप एंड इफ दे शो इट सम वे इट इज एक्स इट इज देन अगेन पुट डाउन इट इज देन नॉट बॉट फॉरवर्ड टू द फोर फ्रंट एंड दिस इन रिटर्न इज जनरेटिंग दिस ऑरा ऑफ मिसट्रस्ट एंड फियर इन साइड द कंट्री i have told you once before in a lecture that uh, if you uh, continuously harp about uh, you can say uh, the lack of facilities or uh, the lack of uh, you can say uh, testing kits and uh, r relevant medication in times of in times of pandemics or in, in a health crisis like the one that we have right now in the world what it shows is medical mistrust तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि डॉक्टर्स से जो है वो और इदारों से लोग जो है वो बच के भाग रहे हैं ठीक है क्वारंटीन सेंटर्स को छोड़ के भाग रहे हैं एंड वाई इज़ दैट सो इट इज़ बिकॉज कि आपके पास काउंटर नेरेटिवस चल रहे हैं सेंट्रल का नेरेटिव और चल रहा है ठीक है अपोजिशन का नेरेटिव और चल रहा है और ये सारे नेरेटिवस को जो है उनके एक आप समझ लें कि एक तरह की खिचड़ी जो है वो भका दी है मीडिया ने एंड राइट नाउ दिस इज़ कंसर्निंग पाकिस्तान ठीक है अब मजीद अगर बात करते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कहाँ कहाँ के पास नए से तरह की नज़र आ रही है uh, एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है डॉक्टर एंटनी फोची ठीक है ही इज द इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट ऑन ट्रम्पस पेंडामिक रिस्पॉन्स टीम ठीक है एंड ही हैज बीन रैपिडली हीज बीन रैपिडली डिस्क्रेडिटेड नंबर वन एंड ही हैज बीन ओपनली डिसक्रेडिटेड उसकी बात अगर हो रही है तो उसके बरअक्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात करनी है इसी तरह आपके पास पाकिस्तान में हो रहा है ठीक है नोमैटो वट क्वालिफिकेशन नोमैटो हाउ मनी ईयर्स यू आर हैव बिन अजन पॉलिटिशियन अजन पॉलिटिशियन ठीक है यू आर नो मैच फॉर एनी डॉक्टर Okay. you you're not a match for a person who has a proper understanding of how epidemiology works how epidemiology works okay? how a disease spreads okay? what is exactly flattening the curve you are not the expert the doctor is the expert let me give you a very pertinent example on a recent tv interview uh, on, uh, with dr yasmin rashid okay uh that in that uh, media person and those two politicians were heavily criticised for trying to corner Dr Yasmin Rashid into uh, admitting that her definition of flattening the curve is not right. So is it going to be the politicians whose uh, whose uh, you can say uh, definition is right? It wasn't. ठीक है फ्लैटिंग द कर्व मीन्स दैट यू हैव टू कीप द नंबर ऑफ इन्फेक्शन लो ताकि आपके हेल्थ केयर सिस्टम जो वेल्प ना हो और इसके तरीकेकार क्या है उसका तरीकेकार ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टेट हो एंड द अदर पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा वॉज हेल्प एंड ऑन नहीं मैडम आप गलत कह रही हैं No matter what her response has been to the coronavirus pandemic, one thing that you cannot uh, point out or you, something that you cannot uh, criticize her on is her years of medical expertise. She's a doctor. Even a fresh MBBS knows way more than these WhatsApp University graduates. So, in Pakistan right now, there is political instability. Hai Everyone try, is trying to score points on the other political party. ठीक है अब जैसे 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का जो रिलीफ पैकेज uh, जो है वो रिलीज किया गया है बाय द पीटीआई गवर्नमेंट ठीक है इट इज़ वन ऑफ द आई वुड से वन ऑफ द सम गुड मूव्स दैट द सेंट्रल हैज पुट फॉरवर्ड इन फेस ऑफ द पेंडेमिक एंड इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बट उसका जिक्र कहाँ है इट हैज़ बिकम अ फुट नोट ऑफ शॉर्ट्स उसका जिक्र कहीं नहीं है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अप्रीशिएट वॉट इज़ गुड Uh, coming out of the central government. What we are seeing right now is this, uh, you can say, continuous naysaying by political parties, by opposition parties. <coughs> Excuse me. This continuous naysaying, and in return, the central has become extremely belligerent. Now, the fact that uh, PPP and uh, PMLN have the grievances that uh, PM Imran Khan is not taking them on board. But the, uh, I would say that he should. But again, if I were in his place, and if you were in his, if you were in his place, so why would you take into consideration any party's uh, you can say uh, mandate? Right? any party's manifesto if they're continuously hell bent on trying to discredit you. ठीक है यहां आपके पास एक शख्सियात क्लैश आ गया है ठीक है इट इज देंट्रल टू ब्लेम एंड इट इज द अपोजिशन टू ब्लेम आई वुड से कि ये जो क्लैश आ रहा है इट इज इक्वली एट फॉल्ट फॉर बोथ पार्टीज यहां कोई डिफरेंस नहीं है यहां आप ये नहीं कह सकते कि एक जो है वो बंदा या एक पार्टी जो है उसकी जिम्मेदार है या सिर्फ सेंट्रल इसकी जिम्मेदार है नहीं आपके पास सारे पोलिटिकल पार्टीज और सारी पोलिटिकल जमातें जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग दिस और दिस पिंग पोंग ऑफ ब्लेम ठीक है कि फला ने ऐसे किया फला ने ऐसे किया हमने ऐसे किया हमने ऐसे किया दिस इज नॉट अ टाइम फॉर पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भाई दिस इज अ टाइम टू सेव द पीपल एंड नॉट योर ओन पोलिटिकल माइंडेड ठीक है अब दूसरी तरफ जो है वह बात करते हैं रोल ऑफ मीडिया की ठीक है अब जरा uh, किसी भी चैनल को अगर आप खोल के देखते हैं अभी फिलहाल पाकिस्तान के अंदर वट यू सी इन ऑड पॉलिटिसाइजिंग ऑफ द इशू बिला वजह आपने पॉलिटिशियंस को आपस में बिठा के जो वो इतनाजी लगाई हुई है ठीक है दिस काइंड ऑफ द सेम थिंग दैट हैपन ड्यूरिंग द औरत मार्च ठीक है जहाँ ब्रेड्स आई वुड से लाइक मारवी सरमद एंड What was his uh, name? I have forgotten the Khalil Rahman come article that I have no idea what feminism entails, that I have no idea of its philosophical and practical connotations, were made to sit together and put forward mandates that were extremely illiterate. This is the reason why aapka Pakistani media hai, wo reporting ke sensationalism, and this is true. देर आर हंड्रेड लाइक दीज यहाँ के पास एक्सपर्ट को बिठा के उसके ऊपर पॉलिटिशियंस शुरू हो जाते हैं कि भाई ना तुम जो कह रहे हो वो गलत है हम जो कह रहे हैं वो ठीक है कोई भी पॉइंट पे नहीं आता है और इस ना पॉइंट पे आना एंड दिस डिस्क्रिपेंसी इन नैरेटिव इज सीन ऑल अक्रॉस मीडिया चैनल्स एंड द मीडिया इज रिमार्केबली ए पोलिटिकलिटिकल ठीक है आपके पास एक कॉन्टिन्यूस मैंडेट नजर आ रहा है कि जो खबर आएगी आपने उसको आया बायस तरीके से लेके जाना है कि सिर्फ सेंट्रल के हक में लेके जाना है ठीक है और या तो आपने जो बिल्कुल उसके बरक्ष जाना है और अगर आपने जो है वो एक न्यूट्रल ग्राउंड अख्तियार करना है तो आपने जो है वो ऐसी डिबेट छेड़ देनी है या ऐसा आपने जो है वो उन सारों को आपस में बिठा के जो है वो एक चीखम चाखी मचा देनी है कि देर इज नथिंग कंस्ट्रक्टिव बींग नो वन इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट पाकिस्तान सम हाउ वन वे और दी अदर इवन इफ देर इज एन ऑफिशियल अंडर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस ठीक है पाकिस्तान हैज सम हाउ सम हाउ एस्केप द ब्रंट ऑफ द पेंडामिक somehow one way or the other pakistan's measures are successful one way or the other we are seeing that life is slowly steadily at least in pakistan returning to normal वैसे तो अवल तो हमारी आवाम है भी खा खास तौर पे बहुत ही ढीठ है मतलब lockdown हुआ ना हुआ almost एक ही बात है सिर्फ थोड़ी सी कमी वाक्य हो गई थी उनके बाहर निकलने में खैर I digress लेकिन कुछ positivity आपको नज़र नहीं आ रही है There is no highlighting of national resolve. Instead, there's a highlighting of national belligerence. The, you did this, I did that. We are at crossroads. I'm not going to uh, take forward your mandate. You're not going to take forward mine. The center is also to blame and the provincial governments are also to blame. The oppositions are also to blame. <coughs> Excuse me. So, the uh, role Pakistan media in Pakistan is a sensationalization gap. मीडिया <coughs> me. का रोल पाकिस्तान के अंदर एज ऑफ राइट नाफ सेंसेशनाइजेशन क्या है लेकिन बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है बाकी कंट्रीज में क्या और कौन सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है जरा आप हट के आ जाए अमेरिका की तरफ ना अमेरिका राइट नाउ इज बिलीगर्ड एंड माइड इन इट्स ओन इन एबिलिटी टू कंट्रोल द पेंडामिक और उसके साथ साथ उन्होंने इस इशू को इस हद तक पोलिटिसाइज कर दिया हुआ है कि वो भी नंबर्स रिपोर्ट करते हुए ठीक है कोई भी उनका तजिया बैठते हुए भी मतलब इवन इफ देर सिटिंग डाउन विद टी वी चैनल इफ दे आर गिविंग एन इंटरव्यू उनके रिस्पेक्टिव पार्टीज के जो uh, लोग हैं वो इंस्टेड ऑफ पोट्रेन यूनाइटेड फ्रंट दे आर ऑल्सो डूइंग पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल देते हैं दिस रीसेंट यू कैन से इनफ्लक्स ऑफ टी वी चैनल मिस रिपोर्टिंग ठीक है जैसे आपके पास जो है वो फॉक्स न्यूज एंड सर्टन केसेस सी एन एन है वहाँ जो आपके पास डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने काइंड ऑफ लाइकन ऑन विजिलंटी स्टेटसर दोवेर्स यू कैन सेक्ट न्यूज ठीक है एंड दैट इज ट्रू एज वेल U.S. President Donald J. Trump repeatedly called the spread of the virus as a hoax. Okay? he did not claim that the virus was a hoax, but he said that the uh, that the amount of spread of the virus is a hoax. Okay? and this uh, viewpoint was continuously perpetuated by Fox News and other, uh, uh, you can say uh, far right news channels and papers as well. Either, you Joe Donald Trump's response towards uh, the pandemic is kind of uh, extremely belligerent, I would say. And he believes that he can simply uh, call people, you fake, you fake, I know what you're with, you fake, it's somehow going to uh, make uh, him appear in a better light. That's not going to happen. His daily press briefings, see, Regardless of uh, whatever agenda, regardless of whatever information you put place, have the feel of a rally. Okay? And uh, the media inside uh, America right now is divided as well into left wing and right wing. The left wing ones, uh, like uh, you have got uh, the New York Times, okay? you have got CNN, you have got MSNBC, these channels, they have started cutting down uh, donald trump's airtime. as soon as an expert like dr. sarah bix or dr. anthony Fauci, or uh, the uh, attorney general in the united states or even mike pence when they start they cut to it and uh, about 30, uh, 20 to 30 minutes into donald trump's presser they revert back to their own uh, no normal uh, to their own normal programs तो इधर आप आपको क्या नजर आ रहा है इधर आपको नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट प्रेस है उसने जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है उसका उन्होंने एक तरह का बॉइकआउट कर दिया ऑलवाइ एंड व्हेन दे पोज हार्ड क्वेश्चंस टू डोनाल्ड डोनल्ड ट्रंप व्हाट इज इज सिंपल रिस्पॉस आई थिंक दैट्स अस्टिक क्वेश्चन आई थिंक दैट्स अस्टिक क्वेश्चन पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो है वो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पोलिटी कर रहे हैं और प्रैक्टिस uh, फ्रीली उनको कोई यह नहीं कह रहा कि यू आर फेक यूर सेंसेशेक यू फेक नो वन इज संग दैट नो पोलिटिकल पार्टी इन साइड पाकिस्तान इज कॉलिंग द मीडिया फेक ठीक है और जहां तक उनको ये कहा जाता जहां तक वो ये कहते हैं कि uh, हमारे मीडिया पर्सनल कहते हैं कि वी आर बीइंग बीइंग एंड वी आर ठीक है आई डोंट सी एनी कर्ब यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एज इट इज यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज इट इज एंड नो वन इज देयर टू कॉल यू फेक नो वन इज देयर टू चैलेंज योर एजेंडा योर मैनिफेस्टो वेर इज इन अमेरिका द लैंड ऑफ द फ्री आपके पास प्रेस फ्रीडम जो है वो काफी हद तक रिड्यूस होती जा रही है इन द सेंस दैट द

ंग पीपल ठीक है एंड द वस दैट आर हैव बीन द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बा कोरोना वायरस पेंडेमिक ठीक है वो दे आर नाउ रेजिंग द वॉइस ठीक है और द पंडेमिकज फोर्स्ड चाइना टू कम फेस टू फेस विद अ डीप पोलिटिकल रिफ्ट बिटवीन इट्स सेल्फ एंड द पीपल क्योंकि चाइना तो आपको पता है कि यूनिपार्टी सिस्टम है बिटवीन इट्स सेल्फ एंड द पीपल ठीक है एंड द कोरोना वायरस पेंडामिक ठीक है अभी तो एज ऑफ राइट नाउ देर आर ड्रेकोनियन मेजर्स अथॉरिटेरियन चाइना टू ट्राई एंड कर्व द स्प्रेड द डिजीज जहाँ आपके पास जो है वो डोमेस्टिक केसेज दोबारा से आर ऑन द राइज इन साइड चाइना ठीक है तो अभी तो आपको डिस्टेंट नजर नहीं आएगा लेकिन ऑन प्राइवेट टी चैनल्स ठीक है जो कि वो अंडरग्राउंड रन करते हैं वी चैट ठीक है दैट इज अ व्हाट्सएप दैट इज अ चाइनीज व्हाट्सएप वर्जन ऑफ ऑफ डवलपलप बाई चाइनीज यंगस्टर्स टू मेक देयर ओन वर्चुअल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ठीक है आपको डिसेंट जो है तब नजर आएगा ज्यादा जब आपके पास पेंडामिक पेंडामिक जो है वो आफ्टर सर्टन टाइम डाइज आउट ठीक है जी जिंग पिंग शुड भी अप्रीशिएटेड फॉर हिज यू कैन से आयरन कंट्रोल ओवर द पेंडामिक लेकिन ये आयरन कंट्रोल आया किस कॉस्ट पे एट द कास्ट ऑफ इज पीपल्स ट्रस्ट ठीक है एट द कॉस्ट ऑफ दिस्यूजन ऑफ फ्री मीडिया ठीक है एंड एज अ राइट नाउ चाइना इज फोर्स टू कंडक्ट अज कैंपीआर कैम्पेन टू रिबिल्ड इट्स इमेज दैट हैज बीन टानिश बाय द फैक्ट दैट इट इज द वायरल एपिसेंटर इन द वर्ल्ड इट इज इट इज इट इज द वायरल एपिसेंटर जहाँ आपसे जहाँ आपके पास जो है वो वायरस ओरिजनेट किया ठीक है सो द थिंग इज कि

ठीक है वी ऑल्सो हैव न्यूजीलैंड जहां आपके पास जैसिंडा हार्डन इज डूइंग एन एक्सट्रीमली गुड जॉब वेरी वेल थॉट आउट वेल यू कैन से वेल रिस्पोंडेड जॉब ठीक है और उन्होंने शी हैज बीन एबल टू कीप द वाइल्ड केसेस इन साइड न्यूजीलैंड टू अ मिनिमम ठीक है एंड आपको कोई इस तरह की डिस्क्रिपेंसी नजर नहीं आ रही एंड द पीपल हैव अटी परसेंट अप्रूवल रेटिंग फॉर हर दे आर पुटिंग द बेस्ट फॉर फॉरवर्ड Australia, despite being ravaged by bushfires, they're also putting their best foot forward. The people are united, their political system is united. In Canada as well, despite uh, a huge opposition to Justin Trudeau, these people have put forward a national front and are coming together to combat the coronavirus pandemic. Lakin, countries like America, countries like China, are having a hard time combating their own internal failings.

The state-mandated lockdown is not being supported द स्टेट मैंडेटेड लॉकडाउन support towards the masses. ऑफ सपोर्ट Doctors are being ऑस्ट्रोसाइज as bearers of disease. The issue has been कॉम्यूनलाइज All right. जैसे आपके पास जो तबलीगी मरकज था जिसका अब वो हैश टैग बन चुका हुआ ट्विटर पर तबलीगी मरकज, तबलीगी मर्कज भी कहते हैं डोंट से सो so, अगर तबलीगी मरकज है वो बन चुका हुआ है एज अ हॉट सेंटर फॉर द वायरस ठीक है लेकिन यहाँ के पास टेस्टिंग बाइस आपको नजर आ रहा है टेस्टिंग बाइस किस तरह का है टेस्टिंग बैस इस तरह कि आपके पास जो तबलीगी मरकज़ के लोग हैं उनको जो है वो ज़्यादा टेस्ट किया गया है और बाकी कम्युनिटीज़ को ऐसा जैसा टेस्ट नहीं किया गया आपके पास कुंभ के मेला जो है उसकी भी गैदरिंग्स हुई हैं आपके पास शिवरात्रि की भी गैदरिंग्स हुई हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कंसर्न नहीं उठा रहा सारा कंसर्न और फोकस जो है वो तबलीगी जमात के ऊपर है कि ये लोग हैं जिन्होंने वायरस फैलाया है ठीक है टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर ओन फेलिंग्स द इंडियन मीडिया एंड द इंडियन पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा मशीन ंग टू शिफ्ट द नेरेटिव फ्रॉम द पेंडेमिक टू अ कम्यूनल वॉर ठीक है वहां आपके पास फ्री स्पीच इंडिया के अंदर जो है वो बहुत कम हो चुकी है ठीक है और जो करता है और राइट जैसे ट्विटर ट्रॉल फॉर एग्जाम्पल यू हैव अशोक सेवान आई एम नॉट फैन ऑफ इज लेकिन अशोक सेवान इज सम इन साइड ऑन टू द into the political discrepancies inside and the communal discrepancies inside india and the kind of vitriolic response that you see towards this uh, distinguished uh, professor at uh, who uh, teaches in sweden by the way is uh, almost prolific so you see there are political instabilities and then there's the role of media the media can choose to represent itself in an, in a better manner, <coughs> and in the same way, to political parties inside Pakistan and inside other countries they can choose to put forward a united front, but that is absent, and this is like fodder for the media machine so this is all for today i hope this was enlightening for you i have included links inside the description that you can uh, read later on okay? and uh, one advice that i would give to uh, my listeners right now you need to download twitter okay? and try not to make it into a commenting habit of sorts like in what twitter does is give you uh, all the headlines that and all the relevant news in like a जिफी बेसिस ठीक है आपके पास एक कॉन्टिन्यूस जो है वो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आता रहता है ठीक है एंड विद डैट वट वो हैपन्स कि चलो पिछली अंडरस्टैंडिंग तो नहीं लेकिन एज ऑफ राइट नाउ आपके अंडरस्टैंडिंग जो है वो और क्लियर क्लियर और और बेहतर होती जाती है ठीक है सो आई कंक्लूड विद दिस इंस्टॉल ट्विटर ट्राई टू मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स ठीक है कि आप उसको जो है वो ज़रूर चेक करें दिन में एक या दो दफ़ा ठीक है और जितनी हेडलाइंस आती हैं यू कैन रीड दैम एंड Uh, you can uh, follow a lot of news channels over there as well. Take both international and national media. They uh, Twitter is uh, the one thing that can actually help you gain uh, a sketchy knowledge. I was not a full knowledge, but a sketchy knowledge of what current affairs inside Pakistan are like right now. So uh, I conclude with this. Stay safe. Allah Hafiz.